क्या नाम है? अली हैदर। अली हैदर। अली हैदर कितनी उम्र है? 17। ऊंची बोलना है। 17। 17 साल पढ़े भी हो, स्कूल गए हो? जी 9th। 9th तक मैट्रिक नहीं किया? नो। क्या करते हो? खेती बाड़ी करते हो। शादी कब हुई? एक साल पहले हुई। एक साल पहले? हाँ जी। कितना अरसा रही? 15 दिन। 15 दिन? पसंद की शादी थी? नहीं। क्या हुआ था? घर वालों की पसंद की थी। घर वालों ने शादी की थी? जी। यानी बीवी को शादी के बाद देखा था? हाँ जी। ऐसे ही है? कजन थी मेरी। कजन थी तो फिर तो जानते थे ना? हाँ जी जानता। किसकी बेटी थी? खाला की? मामू की? खाला की बेटी थी तो फिर जाहिर है आना जाना पहले से होगा। खाला के घर तो जाते हैं ना बच्चे? नहीं गए कभी वैसे। तुम जाते थे खाला के घर? मामा लोग जाते थे, मैं नहीं जाता। क्यों? मंगनी बचपन में हुई थी ना, इसलिए नहीं। अच्छा ठीक है, मंगनी बचपन में हो गई थी। हाँ जी। ठीक हो गया। शादी धूमधाम से हुई? जी बिल्कुल ठीक तरह। यस। क्या हुआ फिर बाद में? बेगम के साथ ठीक थे तुम? हाँ ठीक था। क्या नाम था बेगम का? रुबाब। 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 रुबाब के साथ तुम्हारे मामला ठीक थे? ठीक थे। फिर क्या इशू बना? इशू 10 दिन बाद उनके घर गए हैं। किनके घर? अपने ससुराल के घर, खाला के घर गया हूँ। अच्छा। उन माँ बेटी की पहले ही प्लानिंग कोई हुई? सीधे होके खड़े हो। माँ बेटी की? सीधे होके खड़े हो इधर। माँ बेटी की पहले ही प्लानिंग हुई थी। जो क्या प्लानिंग थी? वो लड़की नहीं थी मेरे साथ रहना चाहती, वो किसी और को पसंद करती थी। अच्छा ठीक है। उनके घर गया हूँ सुबह नाश्ते में, उन्होंने 81 की गोलियाँ दे दी हैं, मैं बेहोश हो गया हूँ। तुम्हें कैसे पता? बाद में डॉक्टरों के पास, 3 दिन बाद मुझे होश आया। अच्छा। हाँ जी। फिर तो उतनी देर में वालदा ने अपनी बेटी को जो लड़के पसंद करती थी उसके साथ भेज दिया था। फिर मैं जब होश में आया। भगा दिया? हाँ जी। पक्की बात है? एग्जाम तो नहीं लगा रहे? नहीं पक्की बात है। फिर सोचो। हाँ पक्की बात है। अच्छा फिर जब तुम्हें 81 की गोलियां दे दी, तुम जाहिर है सो गए नाश्ता करके, फिर से 3 दिन बाद होश आया। 3 दिन के बाद तुम्हें होश आया? हाँ जी। जब होश आया फिर क्या देखा? देखा क्या, यही उनसे पूछा क्या हुआ है, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, वो चली गई है अब। ठीक है। उसके बाद फिर वो लड़की दारुलमान चली गई। रुबाब दारुलमान उसके पीछे गए, उसे कहा कि जब तुम सो के उठे 3 दिन के बाद। हाँ तो सास से पूछा मेरी बीवी कहाँ है? हाँ। फिर क्या कहती? उसने कहा चली गई है। फिर तुमने क्या किया? कुछ नहीं, मैं घर चला गया, अपने घर जाके बताया। ठीक है। हाँ घर वाले आए, उन्होंने पूछा, उसने उनको भी यही कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में हमने CBR निकलवाई, नंबरों का डाटा निकलवाया, उससे वो पता लगा कि इसकी माँ का नंबर सबसे ऊपर आ रहा था, या एक मेरी कज़न थी उसका, रुबाब के साथ। हाँ उसके हस्बैंड के साथ, जिसके साथ वो गई थी, जिस लड़के के साथ। ठीक है। फिर तुम्हें पता था उस लड़के का? नहीं। पहले जानते थे? रिश्तेदार है? नहीं। जात बरादरी से है? नो। क्या नाम है उसका? नाम नहीं आता। नाम नहीं पता? कभी देखा है उसको? नहीं, तस्वीर देखी है शायद, वो एक दफा। अच्छा उसके साथ उसकी कॉल्स आ रही होंगी? हाँ वो कॉल्स उसके साथ, उसका नंबर मतलब उसकी मामा के नंबर से रब्ता हुआ था उसके साथ, लड़की का, वो शाहकोट का है लड़का, मनाले का। बोलते जाओ। फिर वो चली गई उसके साथ दारुलमान रही, हम गए उसके पीछे। उसको तुम्हें कैसे पता है दारुलमान गई है? पता चल गया ना, पता करते करते किसी ने बता दिया कि दारुल ने? कोई है था, मतलब वो है कौन? कचहरी गए उधर वकील से पूछा, उसने क्या दारुल? कई वकील फिर रहे हैं कचहरी में, हर वकील को तो नहीं पता। शाबाश, सीधी बात बताओ, किसने बताया? मेरे मामू लोग पता कर रहे थे ना, वो हम लड़के वालों के पास गए, सीधे मतलब लड़के वालों के पास गए, उनसे पूछा जाके, उन्होंने कहा हमारा कोई गुनाह नहीं, आपकी बेटी तो दारुलमान है, उससे पूछो जाके। मामू ने कहा? उन लड़कों, मामू और मैं लड़के वालों के पास गए ना। अच्छा ठीक है। नंबर ट्रेस हुआ शाहकोट माना, ठीक है, उसके पास गए, उन्होंने कहा उससे पूछो जाके, हम फिर दारुलमान गए, उससे जाके मिले, उससे पूछा, उसने कहा मैंने इधर ही रहना, मैंने नहीं जाना है। रुबाब ने कहा? मुलाकात हुई तुम्हारी? नहीं मेरी नहीं हुई। किसकी हुई थी? मेरे मामू की और उसके पापा की। अच्छा ठीक है। उसने क्या कहा? मैंने यही रहना है। हाँ, मैंने नहीं जाना। फिर वापिस आ गया। फिर मैं वापिस गया अपने घर बताया चाचे जो उनसे थे, वो सारे ये कहते थे कि तुम्हें पहले कहा था ना उधर शादी करना, ना ऐसे करना, जैसे शरीका बरादरी में होता है ताने मारते हैं। बाद गुस्से में आके मैं क्या क्या कहते थे? हमने तुम्हें पहले समझाया था कि मामे तुम्हारे ठीक नहीं है, ना ननिहाल वाले बर्बाद, ननिहाल में रिश्ता था ना, खाला ननिहाल वाले तुम्हारे ठीक नहीं है, ना उधर करना ना ऐसे करना,
ठीक है, हमने तुम्हें समझाया था लेकिन तुम बात नहीं आया। ताने आ गए। हाँ, ताने आ गए। और क्या कहते थे? यही और क्या, कुछ नहीं, यही ताने मारते थे और कहते थे। फिर वापिस आया मैं उधर गाँव। कहाँ आए? इधर खाला के पास आया, ससुराल। हाँ, खाला को कहा, खाला से बात हुई। मैंने बोलो, खाला से बात हुई, उसे मैंने कहा क्या किया आप लोगों ने मेरे साथ। वो भी आगे से मेरी बात नहीं से सुनते। मैंने उनको कहा कि जाके लड़की से बात करें, मतलब इतना सारा कुछ अगर आपने नहीं था करना तो पहले ही ना रिश्ता देते या ना शादी करते, वलीमा किया, इतने पैसे हमारे ज़ाया करवाएं किस वजह से। खाला भी आगे से बात नहीं सुनती थी। अम्मी को नहीं कहा कि आपने शादी की है तो ये क्या हो गया? कहा था, अम्मी भी उनसे बात करती थी लेकिन वो नहीं थी बात सुनते हमारी। अच्छा, फिर क्या किया? क्योंकि उनकी मर्जी थी, मिल के करवाया सास ने, खाला ने। हाँ जी, तो फिर शादी ना करते? यही तो बात है ना। हाँ, हम यही पूछते रहे कि क्यों किया पहले शादी अगर आप नहीं थे। मतलब उनको पहले से ही पता था कि इसकी सेटिंग किसी और के साथ है, लेकिन मजबूरी थी कि मंगनी हुई हुई थी, शादी करवाना भी मजबूरी। अगर वो ना करवाते तो फिर उनके भाइयों ने या सारों ने कहना था कि पहले क्यों आपने रिश्ते ने दिया, नहीं किया, मजबूरी की उन्होंने करवा दी शादी, बाद में उसके साथ भेज दी। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ फिर आगे क्या हुआ? आगे कुछ नहीं हुआ, फिर मैं उनसे कर, लेकिन वो बात नहीं थे सुनते हमारी। फिर आते जाते रहे उनके, उनको कहा कि अपनी बेटी को समझाएंगे, घर वापस आ जाए, हम अभी भी रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो नहीं थे सुनते हैं। गुस्से में आके फिर हमने कत्ल कर दिया उनको। कैसे? फायरिंग करके। कैसे? पूरी बात बताओ ना, क्या जेन बनाया, क्या पीछा किया, कैसे किया, वो सब बताओ। सुबह सुबह वो घर से निकली थी तो मैं आगे खड़ा था। तुम्हें कैसे पता है कि ये इस टाइम घर से निकलेगी? वो लस्सी लेने जा रही थी, मुझे पता था, मैं उधर रोज निकलती थी। हाँ जी। कौन सा गाँव है? चौड़ाडा राजपूता। मेरा जहाँ पे कत्ल किया? चौड़ाडा राजपूता। अच्छा, वो घर से लस्सी लेने निकली है। हाँ जी। तो तुमने क्या किया? मैंने कत्ल कर दिया, गोलियां लगा। कैसे? वो जा रही थी, मैं आगे से आ गया, तो फायर लगा दी। फायर मारे कितने? ये नहीं पता, अंदाजन 10-11 इतने ही लगे थे। 10-11 फायर मारे? हाँ जी। वो बंदा तो एक फायर से मार जाता है, तुमने 10-11 क्यों मारे? बस गुस्सा था, गुस्से में आके 1-2-3-4 लगातार मारते रहे। लोग नहीं इकट्ठे हुए? नहीं, कोई नहीं इकट्ठा। आसपास आने जाने वाले राहगीर वाले या कोई? सुबह सुबह का टाइम था, 6-7 का टाइम था, लोग अपने अपने काम कार में मतलब मशगूल थे, नहीं था कोई इतना। कोई नहीं था? नहीं है। पिस्टल कहाँ से ली? पिस्टल गाड़ी पर आ था, मामू का था। मामू का था? हाँ जी। रिश्ता खाला के घर पिस्टल मामू का, यानी सास को मारा उसी के भाई के पिस्टल से? हाँ जी। है? हाँ जी। कौन सा पिस्टल था? टीबो। चलाना आता था? जी। पहले भी सीखा हुआ था? जी। कहाँ पे जाके सीखते थे कि फायर कैसे मारना है, निशाना क्या होता है? ये नहीं था पता कि फायर कैसे मार लिया पहली दफा। बस गुस्से में था, हो गया। तरीका है कार किसने सिखाया गोली मारने का? बचपन से ही मारा गोली, ऐसा है कि तो ठीक है, उधर ये सारा कुछ हमने बचपन में देखा है, लोग कैसे चलाते थे कैसे नहीं। क्या नाम है इस गांव का? किरतो। इरतो? किरतो। किरतो। यहाँ पे शुरू से बचपन से लोग गोलियां मारते हैं? हाँ, उधर बचपन बदमाशी, उधर मतलब दुश्मनी है लोगों की आपस में। अच्छा। देखते रहते थे, कभी कभी कोई कत्ल हो गया, कभी कोई कत्ल हो गया। इस तरह बचपन में कभी अपने सामने कत्ल होते किसी को देखा? जी। कितने लोगों को? 2 लोगों। डर लगा था उस टाइम? बहुत ज्यादा लगा था। 7 क्लास में था तब। 7 क्लास में थे, छोटे थे, ट्यूशन जा रहा था तब तक। तो अब जब खुद फायर मारा है तब डर लगा? जी लगा। क्या नहीं लगा? लगा था। फायर करके कहाँ भागे हो? फायर करके बाहर गाँव के बाहर भाग गया था। फिर कहाँ छुपते रहे हो? एक साल छुपते रहे हो ना? जी। कहाँ कहाँ छुपे हो, सच सच बता? कहीं नहीं गया मैं अपने। कैसे गुजरा ये साल? साल मैं अपनी फुप्पू के पास चला गया। कहाँ पे? मियाली बंगले के पास गाँव में। वो कहाँ है? देंसर, मुरीद के में? नहीं नहीं, मियाली बंगला। कहाँ है मियाली बंगला? वो सियालकोट वाली तरफ। सियालकोट है, ठीक है। उधर रात जाके फुप्पो के घर रहे हो? जी। फुप्पो नहीं कहती थी निकालो इसको मेरे घर से, मैंने नहीं रखना, ये तो कातिल है? फुप्पो तो नहीं ना ऐसा कह सकती। फुप्पो नहीं कह सकती? नहीं, फुप्पो तो फुप्पो ही फिर होती है, वो कैसे कह सकती थी इसे निकालो, अगर मैं उनका भतीजा था। लेकिन खाला भी तो रिश्ते में कुछ लगती थी ना? खाला ने भी जो जुल्म किया था वो करने वाला तो नहीं था ना, ऐसा वो करता है। ठीक है। अच्छा, फिर एक साल फुप्पो के घर रहे हो? जी। फिर पकड़ा गया, बाद में गाँव आ गया, पकड़ा गया गाँव आगे तो पकड़े गए जी।
लेकिन छुप के रहना बड़ा मुश्किल काम है, आसान तो नहीं है। एक साल में क्या करते रहे हो वहाँ पे? काम करता था उधर। क्या खेती बाड़ी हुई, भुप्पो की प्यालियाँ ओपनली ऐसे ही? हाँ। कभी नहीं किसी ने पकड़ा? हाँ, आती थी पुलिस लेकिन नहीं, मतलब भाग जाता था। अच्छा, फिर नहीं था पकड़ा जाता। फिर रात को बाहर सोता था, दिन को घर होता था बस। बाहर क्यों सोते थे? इसी वजह से? हाँ, पुलिस के डर से, पुलिस ना आ जाए। अच्छा, फिर सुबह सुबह फिर घर चला जाता था। इस दौरान अपनी वालदा से, वालिद से रابطे में थे? कभी कभी बात हो जाती थी, नहीं तो नहीं होती थी। वो कहते थे तुमने गलत किया? हाँ, कहते हैं, अभी भी कहते हैं। वालदा कहती थी गलत किया, जाहिर है उसकी तो बहन थी ना। वालद भी कहते हैं गलत किया। तुम क्या कहते हो? मैंने भी गलत किया। गलत किया?